नाम बिनु हरि भजन श्याम नहीं मिलियै भजल कृष्ण मुरारी नाम मारि ग्राह गजराज उबार्यो मारि ग्राह गजराज उबार्यो तब गज भयउ सुखारीना हे तब गज भयउ सुखारीना बिनु हरि भजन श्याम नहीं मिली है भजल कृष्ण मुरारीना जब जब भीर परी संतन पर जब जब भीर परी संतन पर ऐसैली न उबारीना हे ऐसैली न उबारीना बिन हरि भजन श्याम नहीं मिली है भजला कृष्ण मुरारीना हे भजला कृष्ण मुरारीना बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो कल हम सब कथा सुन रहे थे, कल की कथा में प्रहलाद जी जो है ना दैत्य पुत्रों को भक्ति सिखा रहे थे, और अभी हम लोग भजन सुने बिनु हरि भजन श्याम नहीं मिली है और भजिल कृष्ण मुरारी ना। लोग अगर सोचते हैं कि भगवान ऐसे ही मिल जाएंगे तो बहुत बड़ी भूल है, उसके लिए भजन करना पड़ेगा। बिनु हरि भजन श्याम नहीं मिली है भजिल कृष्ण मुरारी ना, भजन तो करना पड़ेगा। तो प्रहलाद जी क्या कहते हैं दैत्य पुत्रों से? प्रहलाद जी कहते हैं दैत्य पुत्रों से कि भगवान जब भगवान लीला शरीर किए, भगवान ने बहुत से लीला करने के लिए बहुत सारे शरीर को धारण किया। कौन कौन सा शरीर धारण किया भगवान ने गिन लेते, याद कर लीजिए भगवान कौन कौन सा शरीर धारण करते हैं, कौन कौन से शरीर धारण किया भगवान? पहला भगवान का अवतार क्या हुआ? मत्स्य अवतार हुआ। उसके बाद क्या हुआ भगवान का अवतार? कौन सा अवतार हुआ? कच्छपा अवतार हुआ। कच्छपा अवतार के बाद भगवान का क्या हुआ? बाराहा अवतार हुआ। बाराहा अवतार के बाद भगवान का क्या हुआ? नरसिंहा अवतार हुआ। नरसिंहा अवतार के बाद भगवान क्या कौन सा अवतार लिए? बामना अवतार लिए। ये सब भगवान के अवतार, भगवान क्यों अवतार लेते हैं? भक्तों पर कृपा करने के लिए, कि संत लोग जो लीला करेंगे संत लोग उसको गाएंगे, और संत लोग जब गाएंगे उनके पराक्रम को कैसे गाएंगे? निसम्य कर्माणि गुणान तुल्यान बिरयाणि लीला तनुभिकृतानि। भगवान ने जो जो शरीर धारण किए, 10 बार भगवान अवतार लेते हैं, 10 तरह की शरीर धारण करते हैं भगवान, तो भगवान ने जो जो शरीर धारण किया उनके जो अद्भुत पराक्रम है और उनके जो अद्भुत गुण हैं, उनके जो चरित्र भगवान ने किया उसको श्रवण करते हुए मनुष्य का रोम रोम खिल जाता है। भगवान की कथा सुनिए ना तो सभी रस आ जाते हैं। जब भगवान छोटे हैं तो वात्सल्य रस आ जाता है, भगवान जब पराक्रम करते हैं तो वीर रस हमारे आपके मन में पैदा हो जाता है, तमाम तरह के आनंद से हमारा शरीर भर जाता है और फिर रोम रोम खिल उठता है। भगवान जब रोते हैं पंचवटी में माँ के लिए विरह में,
तो हम दुखित हो जाते, हमारी आंख में आंसू आ जाते। भगवान जब कृपा करते हैं सब पर, तो कृपा की बात सोचते सोचते कि काश भगवान हम पर कृपा कर कब करेंगे, ऐसा सोच करके रोम रोम पुलकित हो जाता है, फिर आंख में आंसू आ जाते हैं, कंठ जो है गदगद हो जाता है, और सब कुछ संकोच छोड़ करके जोर जोर से भगवान का हम कीर्तन करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, लोग नाचने लगते हैं, और किस तरह एकदम पागलों की भांति, एकदम पागलों की भांति, और क्या कहते हैं, हे हरे जगत पते, हे नारायण, हे नारायण, हे नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय देवाय, श्री राम, जय जय राम, तमाम तरह की बात के भगवान के नाम लेते हुए लोग नृत्य करने लगते हैं। तब क्या होता है, भक्ति योग के प्रभाव से संसार के सारे बंधन कट जाते हैं। अगर कोई सोचता है, प्रहलाद जी कहते हैं, अगर कोई सोचता है कि तमाम तरह का ड्रामा करके भगवान जो है हम सारे बंधन काटेंगे, तो बंधन कभी कटने वाला नहीं है। संसार का बंधन तभी कटेगा जब हम भगवान को भाव के साथ, भक्ति के साथ पुकारेंगे, एकदम भगवान में मन लगा करके भाव के साथ पुकारेंगे, तो क्या होगा, जैसे पेड़ है ना, पेड़ क्या होता है, पेड़ बीज से पैदा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर फल देता है, फिर वो फल पक करके नीचे गिरता है, फिर जमीन में गिरता है, फिर चलता रहता है। वैसे ही हमारा जीवन है, चलता रहता है, जन्म मृत्यु के चक्कर में हम फंसे रहते हैं, और जब वही फल पका दीजिए तो क्या होता है, फिर उस फल से पेड़ नहीं पैदा होता। तो हमको आपको पकना है, एकदम पकना है, और जब हम पक जाएंगे ना, और कैसे पकना है, भगवान का नाम लेते हुए पकना है, और जब हम पक जाएंगे तो फिर हमारा जन्म नहीं होगा, फिर भगवान हमें एकदम भगवान के सानिध्य का सुख मिलेगा। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं, असुर कुमारो, अपने हृदय में ही, जैसे हम लोगों का हृदय ना आकाश है, हृदय के आकाश में भगवान को नित्य विराजमान है, हम लोगों के हृदय आकाश में भगवान नित्य विराजमान है, और भगवान देखिए बहुत अच्छी बात कहते हैं प्रहलाद जी, को अति प्रयासो असुर बालका, कहा असुर बालक सुनिए, मित्रों सुनिए, कोई प्रयास नहीं करना है, कोई प्रयास, क्यों, क्योंकि भगवान हमारे हृदय में विराजमान है, और भगवान का भजन करने के लिए हमें कोई विशेष परिश्रम की जरूरत नहीं है। धन के लिए तो हम बड़ी परिश्रम करते हैं ना, विद्या के लिए हम परिश्रम करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, घर बनाने के लिए परिश्रम करते हैं, मान सम्मान पाने के लिए परिश्रम करते हैं, लेकिन भगवान का भजन करने से क्या, को अति प्रयास हो, बिना प्रयास के ही भगवान का भजन हम कर सकते, कोई मेहनत नहीं है। सबसे आसान काम है भगवान का भजन करना, और उस आसान काम को हम नहीं करना चाहते, हम करते नहीं हैं। लेकिन जो संसार की सबसे बड़ी मुश्किल बातें हैं, धन कमाना, धन को बचा के रखना, उसके बाद मान सम्मान कमाना, और मान सम्मान को बचा करके रखना, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन जो सहज ही है उसमें हमारा मन नहीं लगता, उसमें हमें लगाना ही चाहिए, विशेष परिश्रम की कोई आवश्यकता नहीं, कोई जरूरत नहीं है। भगवान क्या है, भगवान समस्त प्राणियों के अत्यंत प्रेमी मित्र हैं। भगवान जो है संसार के जितने लोग हैं, जितने जीव हैं, सबके मित्र हैं, और तो छोड़ दीजिए मित्रों, भगवान स्वयं हमारी आत्मा ही भगवान का स्वरूप है,
हमारी आत्मा ही भगवान का अंश है, और जो हमारी आत्मा ही है जो हमारे हृदय आकाश में निवास करते हैं, जिनका भजन करना बहुत सहज है, उनको छोड़कर के हम दुनिया भर की जो भोग सामग्रियां हैं उसको इकट्ठा करते हैं, यह सबसे बड़ी मूर्खता है, सबसे बड़ी मूर्खता है जिनको हम इकट्ठा करते हैं। रायः कलत्रम् पशवः सुतादयो गृहामहि कुञ्जर कोशभूतय सर्वर्थ कामान् क्षणभङ्गुरायो कुर्वन्तु मृत्यस्य कियत् प्रियं चला। कहा रे मित्रों, धन स्त्री पशु पुत्र पुत्री महल पृथ्वी हाथी खजाना और भांति भांति की जो संपत्तियां हैं, समाज संसार की समस्त धन भोग सामग्रियां ये क्षण भंगुर हैं, हमारा जीवन भी क्षण भंगुर है, ये हमें क्या सुख देंगे। धन है आज है कल नहीं रहेगा, पशु है आज है कल नहीं रहेगा, पुत्र पुत्री और महल सब क्षण भंगुर हैं, कुछ क्षण के लिए है हमारे आपके साथ। तो जो कुछ क्षण के लिए है वह कभी भी हमको आपको सुख नहीं दे सकता। सुख कौन दे सकता है जो अनंत अनंत जन्मों से लेकर के अभी तक हमारा कभी साथ नहीं छोड़ा, वो है हमारे भगवान। इसलिए भगवान की भक्ति करना चाहिए। क्षण भंगुर धन संपत्ति है और क्षण भंगुर हमारा आपका जीवन है। एक तो धन और संपत्ति हमको सुख नहीं दे सकता, और हम क्षण भंगुर शरीर हमारा आपका है इसलिए हम सुख उठा भी नहीं सकते। इस लोक की समस्त संपत्तियां नाशवान है, और क्या कहूं, स्वर्ग में जो कुछ मिलता है वो भी नाशवान है। स्वर्ग में क्या होता है, स्वर्ग में हम जितना पुण्य किए हैं उतना हमें फल मिलता है, जब हमारे पुण्य का फल समाप्त हो जाता है तो देवता लोग लात मार करके हमको स्वर्ग से धरती पर फेंक देते हैं। और वहां भी क्या होता है, हमने 1000 पुण्य किया तो कोई 10000 पुण्य किया हुआ मिल जाएगा, फिर शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसको ज्यादा सुख है मुझे कम सुख है। तो इस संसार में न तो सुख है न तो स्वर्ग में सुख है, जो इत्यादि करके जो हम सुख स्वर्ग में खोजते हैं वह भी नित्य नहीं है, समाप्त होने वाला है। तो इसलिए जो समाप्त होने वाला है, संसार का सुख और स्वर्ग का सुख सब दुखदाई है, सब दुखदाई है। इसलिए निर्दोष केवल एक है परमात्मा, और उस परमात्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं भजन करके। इसलिए उसी परमात्मा का हमें भजन करना चाहिए। और इस संसार में जो बड़े बड़े विद्वान हैं, अपने को बहुत विद्वान मानते हैं, वो तरह तरह के कर्म करते रहते हैं, और कर्म से क्या होता है, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए बड़ी मेहनत करते हैं और फल उल्टा मिलता है, संदेह फल उल्टा मिलता है। हम सुख पाने के लिए कितना दुख उठाते हैं, होता है ना, हम सुख पाने के लिए कितना दुख उठाते हैं, और जो सुख सहज ही मिला हुआ है तो दूसरे सुख के पीछे भागेंगे तो दुख तो उठाना पड़ेगा। हम कामना के कारण यहां वहां सर्वत्र दुख ही भोगते रहते हैं। इस मनुष्य इस लोक में सब काम कर्मों के द्वारा जिस शरीर के लिए भोग प्राप्त करना चाहता है वह शरीर ही पराया है। सुख मनुष्य किस लिए चाहता है, इस शरीर के लिए, और यह शरीर ही अपना नहीं है। अब कहेंगे शरीर तो मेरा है, शरीर आपका है तो बूढ़ा होने से रोक क्यों नहीं लेते। शरीर अगर आपका है तो शरीर को कह दीजिए क्यों बूढ़ा हो रही है, बूढ़ा ही ना हो शरीर। और शरीर का होता क्या है, कोई जंगल में मर जाए तो क्या होगा, सियार कुत्ते खा जाएंगे शरीर को, अगर घर में मरेगा तो परिवार लोग ले जाके जला देंगे,
पानी में डाल देंगे, कुछ लोग जमीन के नीचे दफना दिए जाते हैं, कुछ ना कुछ इस शरीर की बस यही कीमत है। कहीं कुत्ते खा जाएंगे, कहीं सियार खा जाएंगे, कहीं परिवार के लोग जला देंगे, कहीं लोग सड़ने के लिए जमीन में गाड़ देंगे और वहां कीड़े खाएंगे इस शरीर को। और इस शरीर के लिए हम इतना सुख खोजते रहते हैं। यह शरीर भी अपना नहीं है, यह बिछुड़ जाएगा। अब आप सोचिए, जब यह शरीर ही हमारा अपना नहीं है तो इस शरीर से जो रिश्ते हो कितने दिन रहेंगे, कितने दिन का रिश्ता रहे, पुत्र पति पत्नी, महल धन संपत्ति, राज्य खजाना, हाथी घोड़ा, मंत्री नौकर चाकर, कितने दिन? सब शरीर का रिश्ता है ना, शरीर से ही सारे संबंध हैं। शरीर नहीं है तो घर की जरूरत नहीं है, शरीर है इसलिए घर की जरूरत पड़ती है। और हम उस शरीर को अपना माने हैं, यह शरीर भी हमारा नहीं, यह सांस भी हमारा नहीं। और इस तुच्छ शरीर के नष्ट हो जा, यह तुच्छ है शरीर, यह भी नष्ट हो जाती है। यह सारी बातें जो है प्रहलाद जी समझाते हैं। तो दैत्य के पुत्र कहते हैं कि बताइए क्या करना हमारे लिए उचित है, प्रहलाद जी बताइए क्या हमारे लिए क्या करना उचित है। तो प्रहलाद जी कहते हैं, इसलिए निष्काम भाव से भगवान से कुछ मत मांगिए, भगवान को बस भगवान से भगवान को मांगिए, निष्काम भाव से एकदम भगवान श्री हरि का भजन करना चाहिए। धर्म अर्थ और काम सब भगवान के आश्रित हैं। भगवान जिसे चाहे जितना धन दे सकते हैं, भगवान जिसे चाहे जितना सुख दे सकते हैं, भगवान जिसे चाहे जितना धर्म दे सकते हैं, भगवान के अलावा और कोई कुछ नहीं दे सकता, भगवान ही देते हैं। और बिना उनकी इच्छा के लिए, बिना उनकी इच्छा के न तो धन मिलता है, न सुख मिलता है, न मान मिलता है, न संपत्ति मिलती है, भगवान चाहते हैं तभी मिलेगा। इसलिए सब कुछ छोड़ करके क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कहा देवता हो, दैत्य हो, मनुष्य हो, यक्ष हो, कोई भी हो, जो भगवान के चरण कमल की सेवा करता है वही जो है सबका कल्याण कर सकता है। जो भगवान का भक्त ही हमारा कल्याण कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। भगवान प्रसन्न होते हैं किस बात से? भगवान प्रसन्न होते हैं मित्रों केवल निष्काम प्रेम से, निष्काम भक्ति से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। और सब तो बस ड्रामा है, नाटक है। भगवान को प्रसन्न करने का बस एक ही उपाय है। इसलिए ततो हरौ भगवती भक्ति कुरुतम दानवा आत्मौ पयेन सर्वत्र सर्वभूतात्मनिश्वरे। इसलिए दानव बंधुओं, समस्त प्राणियों को अपना समझकर क्या करिए? आप लोग दैत्य हैं, आप भेदभाव करते हैं, देवताओं को सताते हैं आप, इसको छोड़ करके सभी समस्त प्राणियों को अपने ही समान समझ करके सर्वत्र विराजमान सर्वात्मा भगवान की भक्ति करो। भगवान सर्वत्र है, सर्वत्र विराजमान है, और जो भगवान हमारे अंदर है वही हमारे सामने वाले में है। ऐसे सबको समान मानते हुए भगवान की भक्ति करो, सबको समान। और भगवान कैसे है? भगवान की भक्ति कोई भी करे, दैत्य करे, दैते या यक्षर छांसि स्त्रिय शूद्रा ब्रजो कसह खगा मृगा पाप जीवा। क्या कहते भगवान प्रहलाद जी? कि भगवान की भक्ति के प्रभाव से दैत्य हो, यक्ष हो, राक्षस हो, स्त्री हो, शूद्र हो,
कुछ भी हो, पक्षी हो, मृग हो, पापी जीव भी क्यों न हो, लेकिन अगर वो भगवान की भक्ति को करता है तो भगवत भाव को प्राप्त हो गए हैं और हो जाएंगे। इस संसार में या मनुष्य शरीर में जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ अर्थात एकमात्र परमार्थ इतना ही है कि भगवान की भक्ति करे। अगर कोई सोचता है कि धन से हमारा स्वार्थ पूर्ति होगी, सम्मान पाएंगे तो स्वार्थ पूर्ति होगी, हमारी इच्छाएं पूरी होगी, तो भूल में है। एक ही है परमार्थ का, बस एक ही उपाय है कि अनन्य भक्ति भगवान की करे और भगवान सर्वत्र, भगवान का सर्वत्र और सर्वदा सब वस्तुओं में भगवान का दर्शन करे, उसे भगवान मिल जाएंगे। प्रहलाद जी ने दैत्य पुत्रों को यह सारी बातें बताई और प्रहलाद जी की बात सुनकर के क्या हुआ, दैत्य बालक निर्दोष होकर के उनकी प्रहलाद जी की बात पकड़ लिए और गुरु जी जो सिखाते थे शुक्राचार्य के दोनों बेटे सुंड और अमर जो बातें सिखाते थे, दैत्य के पुत्र अपने गुरु की बातों पर ध्यान ही देना छोड़ दिए, शुक्राचार्य के पुत्र पर एकदम ध्यान देना छोड़ दिए। और जब उन दोनों ने देखा कि अरे ये तो विद्यार्थी जो पढ़ते थे ये तो भगवान में ध्यान लगाने लगे, तो बहुत घबराए और तुरंत हिरण्यकश्यप के पास जाकर के निवेदन किया और सारी बात बताई। और प्रहलाद की ऐसी बात सुन करके हिरण्यकश्यप क्रोध से पागल हो गया और थर थर कांपने लगा क्रोध में। अंत में निश्चय कर लिया कि आज मैं तलवार से अपने पुत्र का अपने ही हाथ से सिर काट दूंगा, मार डालूंगा मैं। लेकिन तलवार दौड़ा, प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके खड़े हुए और नम्रता के साथ चुपचाप खड़े रहे, परंतु हिरण्यकश्यप तो बहुत क्रूर था और इतना क्रोध में था जैसे सांप के ऊपर पैर पड़ जाए तो सांप झपट के काट लेता है, एकदम उसी तरह वह छट फड़फड़ा रहा था बस। और जाकर के प्रहलाद जी के सामने पाप भरी टेढ़ी नजर से देखते हुए अब कठोर वाणी में डांटते हुए बोला, कहा रे तू तो बड़ा मूर्ख है प्रहलाद, तू बड़ा उदंड हो गया है, स्वयं तो इतना नीच है और तुमने हमारे कुल के बच्चों का भी दिमाग खराब कर दिया, सबको भक्ति सिखा दी विष्णु की, विष्णु जो मेरा दुश्मन है जिसने मेरे भाई की का वध किया, तुम इतना ढीठ हो गया है, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है, आज मैं तुझे यमराज के घर भेजता हूं। तुम जानते हो मैं कौन हूं, मैं थोड़ा सा क्रोध करता हूं तो सारा तीनों लोक कांपने लगता है। मूर्ख तुम किसके बलबूते पर यह सब कर रहा है, मेरी आज्ञा के विरुद्ध जा रहा है। प्रहलाद जी हाथ जोड़ के कहते हैं, न केवलम मे भवतश्चराजन् सवै बलम बलिनम् च परेशम्। कहा दैत्यराज ब्रह्मा से लेकर के तिनके तक छोटे बड़े चर और अचर जीवों को भगवान ने अपने बस में कर रखा है, न केवल मेरे अंदर और आपके अंदर बल्कि संसार के समस्त लोगों का बल अगर कोई है तो भगवान ही है। भगवान ही सबसे बड़े पराक्रमी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, वही काल है और वो समस्त प्राणियों के इंद्रिय बल हैं, मनोबल हैं, देह बल हैं, वही परमेश्वर ही अपनी शक्तियों से इस संसार की रचना और संहार करते हैं। वे सब सत रज और तम जो तीनों गुण हैं उस सब के स्वामी हैं भगवान। प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके पिताजी से कहते हैं, अरे पिताजी आप अपना असुर भाव छोड़ दीजिए,
अपने मन को समान बनाइए, सबको बराबर देखिए। इस संसार में जिसका मन बस में नहीं रहता वह कुमार्गगामी हो जाता है, और जो जब मन कुमार्गगामी हो गया तो इस मन से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है, वह सबसे बड़ा शत्रु है। पिताजी, मन में समता का भाव लाइए, और भगवान की सबसे बड़ी पूजा यही है। वाह, अपने पिता को समझाते हैं प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके, और हिरण्यकश्यप क्रोधित होता है, अरे मंद बुद्धि, तेरे बहकाने की अब हद हो गई है, यह बात साफ है कि अब तू मरना चाहता है, क्योंकि जो मरना चाहता है वही उल्टी सीधी बातें करता है, बका करता है। अब आगे, तूने मेरे सिवा जो और किसी को जगत का स्वामी बताया है, सो देखू तो तुम्हारा वह जगदीश्वर कहाँ छिपा है, मुझे दिखाओ। अच्छा अच्छा बताओ कहाँ है। प्रहलाद जी ने कहा वह सर्वत्र है। कहा जब वह सर्वत्र है तो खंभे में क्यों नहीं दिखता, अगर है तो इस खंभे में दिखा दो। तो बड़ी बड़ी बात बोलता है, देखो तुम्हारा भगवान इस खंभे में नहीं है, तुम तो कहते हो ना अगर नहीं दिखा इस खंभे में तुम्हारा भगवान तो आज मैं तुम्हारा सिर काट डालूंगा, मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। वाह, देखता हूं तेरा सर्वस्व हरि कहां है, कैसे तुम्हें बचाता है जिस पर तुझे इतना भरोसा, देखता हूं कैसे वह तेरी रक्षा करता है। ऐसा वह हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को डांटता है, चिल्लाता है और धमकी देता है, और वह इतने क्रोध में होता है हिरण्यकश्यप की, दौड़ पड़ता है और दौड़ करके जाता है, घूसा होता है ना, एक घूसा उस खंभे को मारता है, और जब जोर से एक घूसा उस खंभे को मारता है, उस पिलर को मारता है, उसी समय जो खंभा था वो फट जाता है, और फटने के बाद बहुत ही भयंकर शब्द होता है, ऐसा लगा कि यह ब्रह्मांड ही फट गया। सब लोग सोचे अब तो प्रलय आ गया, और उसी समय हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारने के लिए जोर से झपटा, परंतु उस खंभे से फाड़ करके जो नरसिंह भगवान प्रकट हुए वह देखकर कांपने लगा, हिम्मत किया और जब प्रकट हुए पूरा से आधा तो सिंह थे आधा मनुष्य थे भगवान, और जैसे ही देखा तो तलवार लेकर के नरसिंह भगवान की तरफ दौड़ा। नारद जी कहते हैं कि युधिष्ठिर जानते हो क्या हुआ, जैसे बाज जो है ना ऐसे छोटी चिड़िया ऐसे पकड़ लेता है, नरसिंह भगवान ने उसको ऐसे पकड़ लिया और वो छटपटाने लगा, और नरसिंह भगवान बार बार जो है अपने सिर को झटक रहे थे, और झटकते समय उनके जो बाल थे उड़ते थे गले में, और बाल लगता जैसे सोना सोने की तरह चमक रहे थे, और उनकी आंख इतनी लाल थी जैसे आंखों से आग निकल रही हो, और जीभ जो उनकी निकली हुई थी लगता था कि साक्षात तलवार है, तलवार की तरह लपलपाती जीभ थी, और शरीर बहुत विशाल। उसको पकड़े हुए है भगवान, कहा वो बार बार कोशिश कर रहा है, जैसे फतिंगा होता है ना, जब दिया जलाइए तो फतिंगा आता है उसे आग में जल के मर जाता है, बस वही हालत थी उस हिरण्यकश्यप की। जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेता है बस ऐसे ही भगवान उसको पकड़े हुए हैं, और गदा सहित वह छटपटा रहा है,
भगवान उससे खिलवाड़ कर रहे हैं, बार बार वो भगवान से लड़ रहा है कि मैं छूट जाऊंगा, चंगुल से छूट जाऊंगा, चंगुल से छूट जाऊंगा। भगवान उसको पकड़ करके दरवाजे के पास ले गए और बहुत उछला कूदा, बहुत छटपटाया। भगवान दरवाजे पर ले जाके अपने जंघे पर रख करके अपने दोनों हाथ से उसके पेट को फाड़ देते हैं, चीर डालते हैं, जैसे महाविषधर सांप को गरुड़ चीर करके उसका दो टुकड़े कर देता, बस वैसे ही भगवान ने अपने हाथों से एकदम उसका पेट फाड़ देते हैं और भगवान के शरीर में सब खून लग जाता है। भगवान और भयंकर और डरावने लगने लगते हैं और एक खबर कहां पहुंच गई, स्वर्ग तक पहुंच गई, देवताओं की पीड़ा समाप्त हो गई और लोग कहने लगे कि भगवान हिरण्यकश्यप को मार दिए। बार बार भगवान नरसिंह के ऊपर जो है फूल की वर्षा देवता करने लगे, सब सिद्ध जुट गए, सब देवता जुट गए, सब जुट करके नरसिंह भगवान की प्रार्थना करने लगे, ब्रह्मा जी कहते हैं, नमो नतो असम्य अनंताय दुरंत शक्तये विचित्र विरयाय पवित्र कर्मणे विश्वस्य सर्ग स्थिति संयमान गुणै स्वलीलया संधते व्ययात्मने। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आप अनंत हैं, क्योंकि नरसिंह भगवान बड़े क्रोध में हैं, देवता सब लोग खड़े हैं और एकदम कांप रहे हैं नरसिंह भगवान के सामने। ब्रह्मा जी उनका क्रोध शांत हो इसके लिए प्रार्थना की, कहा प्रभु आप अनंत हैं, आपकी शक्तियों को कोई पार नहीं पा सकता, आपके कर्म पवित्र हैं, आपका पराक्रम विचित्र है, भगवान आप शांत होइए, मैं आपको प्रणाम करता हूं। शंकर भगवान प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि पुरुषोत्तम आप हमारी रक्षा के हैं, आप हमारे यज्ञ को लौटाए हैं, यज्ञ का जो भाग मिलता था मुझे उसे मुझे हम लोगों को फिर से मिलने लगेगा, भगवान आप शांत होइए। सभी देवता जुटते हैं, इंद्र जुटते हैं, ऋषि लोग जुटते हैं, पितर लोग जुटते हैं। पितर कहते हैं कि प्रभु नरसिंह भगवान हम लोगों को जो तिलांजलि मिलती थी यह राक्षस सब खा जाता था, आपकी कृपा से पुनः जो है मेरे परिवार के द्वारा जो तिलांजलि मिलेगी उससे मिलकर के लेकर के मुझे पुनः शांति मिलेगी। नाग आए, सब आए, लेकिन भगवान क्रोध से शांत नहीं। लक्ष्मी जी को आगे किया गया, लक्ष्मी जी तो डर गई कि मैं कैसे इनको शांत करूं, वो पास तक नहीं पहुंची। भूत आए, बेताल आए, किन्नर आए, सब आए, अंत में देवता लोग, लक्ष्मी जी भी पास नहीं गई, देवता लोग जो है गए जो है प्रहलाद जी से कहा। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तुम्हारे पिता पर ही तो भगवान कुपित हुए थे, अब तुम ही इनके पास जा करके शांत करो। जब प्रहलाद जी गए तो प्रहलाद जी बड़े प्रेम से धीरे धीरे गए, स्वपाद मूले पतितं तमर भक्त विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः। हाथ जोड़ करके प्रहलाद जी कहते हैं, भगवान जो आज्ञा कहकर धीरे से गए, प्रणाम किया, नन्हे बालक की तरह एकदम चरण में लौट गए। भगवान का हृदय भर आया, नरसिंह भगवान ने जब देखा कि प्रहलाद प्रणाम कर रहे हैं तो भगवान ने पहला अपना हाथ जो है नरसिंह के प्रहलाद जी के सिर पर रखा, फिर प्रहलाद जी को उठाया और गोद में ले लिया और ऐसा लगा जैसे
कि बस कोई बहुत डरा हुआ हो, कोई कांप रहा हो और कोई आकर के बस छिपा ले, गोद में छिपा ले, एकदम माँ की तरह। भगवान ने प्रहलाद को उठा करके जब गोद में लिया तो हुआ क्या, जैसे प्रहलाद जी को गोद में लिया, उनके जो कुछ बचे खुचे अशुभ संस्कार थे वो सब गिर गए, वो भी गिर गए और तुरंत उन्हें भगवान का पूर्ण साक्षात्कार हो गया और बड़े आनंद में प्रहलाद जी भर गए और प्रहलाद जी की आंखों से आंसू गिरने लगे, प्रहलाद जी रोने लगे।